अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अहमद। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग जो है, हम आए हुए हैं हनी हंटिंग के लिए। आज फिर हम शहद उतारेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं जल्दी से। तो इंशाल्लाह बड़े प्यारे प्यारे व्यू भी दिखाएँगे। हमारे शिकारी जो हैं ये ढूंढ रहे हैं, ये जा रहे हैं नीचे, देख रहे हैं। तो काफ़ी देर से हम घूम रहे हैं, अभी तक हमें एक शहद का छत्ता मिला है लेकिन हमने उतारा नहीं है। अभी घूम रहे हैं, देख रहे हैं और क्या मिलता है हमें। जंगल के बिल्कुल इस टाइम पे हम दरमियान में, इस टाइम हम जंगल के टॉप के ऊपर हैं। इस टाइम ऐसे लग रहा है जंगल जैसे अमेज़न है। ये चेक करें इधर से, ये अमेज़न चेक करें भाई, पाकिस्तान अमेज़न। पानी का डैम देखें जंगल जंगल के अंदर। तो हमने जो है ना तीन शहद के छत्ते देख लिए हैं जंगल के अंदर। तो अभी जो है ना इंशाल्लाह 5 से 10 मिनट तक जो है हम इनको उतारेंगे इंशाल्लाह। नाम सामने खन कोई शाइनी डब्बी और आपस टीले पड़ने हैं। तो फाइनली जो है हमने वर्दी डाल ली है। तो अभी बस उतारेंगे, जाएंगे अंदर, थोड़ा सा धुआँ ज़्यादा निकालेंगे, धुआँ अच्छा सा बन जाए क्योंकि ये दो शहद जो है वो इकट्ठे लगे हुए हैं।
ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਹੁਣ ਉਸਕੀ ਧੂਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੋੜਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਾ ਪਿਆ ਚਲੋ ਫੂਕ ਮਾਰ ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਆਜ ਮੁਝਕੋ ਇੱਕ ਨੇ ਕਾਟ ਲਿਆ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਅਭੀ ਹੋਰ ਨਾ ਕਾਟੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਛੁਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਸੀ ਛੁਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸੀ ਅੱਜ ਨਾ ਨਾ ਸਾਫ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਨਾ ਜਾਲੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਫੱਟੀ ਜਾਲੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਹੋ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੈ ਅਭੀ ਵੋ ਉਤਾਰ ਲਈ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਔਰ ਅਭੀ ਤੀਸਰੇ ਕੋ ਉਤਾਰਨੇ ਲਗੇ ਹੈ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਹੈ ਯੇ ਹੈ ਯੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਸਾਰਾ
ਕਿ ਮੈਂ ਦਸਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਮੋਟਾ ਦਸਤਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਡਾਂਟ ਹਜੇ ਕੋਈ ਡੈਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਕੱਪ ਸਵਾਈ ਦੂਈ ਸਾਈਡ ਟੂ ਡਾਲਿਆ ਸੀ ਚਲ ਹੁਣ ਬਣਾ ਬਾਈ तो फाइनली हमने उतार लिया है, तीनों उतार लिए हैं और 5-5 केजी के दो कैन निकले हैं, यानी 10 केजी शायद तकरीबन इनमें से निकला माशाल्लाह। क्या चक्कर है इस वीडियो करेंगे इधर ही एंड। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो इंशाल्लाह पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही बहुत सारी दुआओं के साथ अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।